कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की बुरी तरह से बौखला गए हैं। इधर रूस ने यूक्रेन के खार्किव इलाके में हमले इतने तेज कर दिए हैं कि यूक्रेनी सेना को समझ नहीं आ रहा कि रूस पर पलटवार करें या फिर रूस पर हमला करें। अब ऐसे हालात में बौखलाए ज़ेलेंस्की ने सीधे रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला करने के लिए अमेरिका को ही धमकियां देना शुरू कर दिया है। एक हजार तोपों से हमला, भाग गए यूक्रेनी सैनिक। 918 दिनों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यही दावे कर रहे हैं कि यूक्रेनी सेना रूस को हरा रही है, लेकिन वहीं पुतिन लगभग 3 साल से यूक्रेन को बुरी तरह से रौंद रहे हैं। रूस के कुर्स्क और सुज़्ज़ा भले ही यूक्रेनी सेना कब्जा करने का दावा कर रही है, लेकिन यह सच है कि रूस कुर्स्क पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर जरा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि उसे कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस को अच्छी तरह से पता है कि अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क में मौजूद परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो पूरी दुनिया में यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के खिलाफ माहौल बन जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर रूस डंके की चोट पर यूक्रेन पर एटमी हथियारों तक का इस्तेमाल कर सकता है। रूस कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन कुर्स्क परमाणु संयंत्र पर विनाशकारी हमला करे। इसके लिए रूस ने अब यूक्रेन के छोटे कब्जों को कब्जाना शुरू कर दिया है ताकि ज़ेलेंस्की बौखलाकर कोई एटमी गलती कर बैठे। पिछले 7 दिनों से रूस के लड़ाकू विमानों ने यूक्रेनी इलाकों में भारी तबाही मचाई है। यहाँ तक कि रूस की मिसाइलों और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन को तबाह करना शुरू कर दिया है। जरा देखिए, 1000 तोपों से हमला करके रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में किरोवा कस्बे पर क्या दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि उसकी मिसाइलें और तोपखानों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र पर भीषण हमले किए हैं। 7 दिन से चल रही खूनी जंग में डोनेस्क क्षेत्र के किरोवो इलाके पर कब्जा करने का दावा रूसी सेना ने किया है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад терробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений вооруженных сил Украины. यूक्रेन पर भारी पड़े पिछले 7 दिन। 6 अगस्त 2024 से यूक्रेनी सेना ने रूस में घुसकर हमले शुरू किए थे। कुर्स्क और दक्षिण पश्चिमी रूसी शहर बेलगोरोद पर सबसे ज्यादा और भीषण हमले यूक्रेनी सेना ने किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 7 दिनों में यूक्रेन की कम से कम 250 यूनिट तबाह की जा चुकी है, जबकि पिछले 7 दिनों में ही यूक्रेन को जमीन और आसमान में भारी नुकसान हुआ है। रूस का यह भी दावा है कि महज एक ही दिन में 455 यूक्रेनी सैनिकों को रूसी सेना ने मार गिराया है, जबकि 6 अगस्त से अब तक यूक्रेन के 6600 सैनिक और 70 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिन में रूस ने उस पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जबकि 26 अगस्त दिन सोमवार को यूक्रेन के टॉप पायलट कर्नल एलेक्सी मूनफिश जिस वक्त रूसी मिसाइलों को तबाह करने के लिए F-16 फाइटर जेट से हमला कर रहे थे, उस वक्त उनका F-16 जंग के मैदान में तबाह हो गया। ज़ेलेंस्की इस नुकसान से सदमे में चले गए और इस घटना के 4 दिन बाद उन्होंने यूक्रेनी वायुसेना के कमांडर माइकोला ओलेशचुक को तुरंत बर्खास्त कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की ने खुद माना है कि कुर्स्क में हमला करना यूक्रेनी सेना के लिए एक जुआ था। ओलेक्जेंडर सेरेस्की कहीं ना कहीं इस हकीकत को मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन फेल हो गया है। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным. Вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. 109 मोर्चों पर जंग। रूस ने मचाई तबाही।
रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसकी सेना ने डोनेस्क क्षेत्र के किरोवो गांव पर कब्जा कर लिया है। ये पूरा इलाका लगभग 52 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इधर यूक्रेन की रक्षा पंक्ति हमलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि वो रूसी सेना के साथ 109 मोर्चों पर भीषण जंग कर रही है, जबकि रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटों में खार्किव, डोनेस्क, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से रौंदकर हरा दिया है। रूस ने घातक मिसाइलों, शाहिद जैसे आत्मघाती ड्रोन और फाइटर जेट से हमले बहुत तेज किए हैं। इस बीच यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि खार्किव, कुप्यांस और टोरेत्स्क के सीमावर्ती इलाकों में 109 लड़ाइयां हो रही हैं। इसमें सबसे भीषण जंग इस वक्त प्रोक्रोस की दिशा में हो रही है। сегодня говорю с главкомом Покровский напрямок наибольший штурмов не просто також на Краматорському, Торецькому, Куп'янському напрямках майже 200 боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз завдати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари. अब तक रूस की मिसाइलों और ड्रोन्स ने कीव, विनेतेशिया, जीतोमिर, खेमेलनित्स्की, देन प्रोपोत्रोवस्क, पोल्तावा, निकोले, किरोवा ग्राद और ओडिशा के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन को निशाना बनाया है। लुओ, इवानो फ्रेंकोवस्क और खार्किव के गैस कंप्रेशर स्टेशन और गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को निशाना बनाया है। इसके अलावा कीव और देन प्रोपोत्रोवस्क के इलाके के एयरफील्ड और हथियार डिपो को टारगेट किया गया है। रूस ने दावा किया है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स ने सटीक निशाना लगाया है। यूक्रेन के कम से कम दर्जन भर हथियार डिपो में उड़ाए जा चुके हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यहाँ तक दावा किया कि यूक्रेन को कुर्स्क में काफी नुकसान हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या यूक्रेन मॉस्को तक हमला करके रूस को जंग में हरा पाएगा, या फिर यूक्रेन के इस हरकत से रूस पूरी तरह से यूक्रेन को तबाह कर डालेगा।